हेलो दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका। भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा निर्णय, और कई वर्षों से 2007 से जब से नरेगा चली है तब से लगे हुए संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए एक और पद की गई है। इसमें नियमित पदों का सृजन किया गया है और उसके बाद में इनका समायोजन किया जाना या जो भी प्रक्रिया होगी आगे की जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि नियमित पदों का सृजन किया गया है। 4,966 कुल पदों का सृजन किया गया है, जिसमें एक पद राज्य लेवल पे हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग एनालिस्ट विशेषज्ञ और एक प्रोग्रामिंग विशेषज्ञ, उसके बाद में 48 हैं समन्वयक जो कि जिला लेवल पे रहने की संभावना है, उसके बाद में 40 समन्वयक और हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से समन्वयक IEEC प्रशिक्षण पर्यवेक्षक के लिए 40 जने लगेंगे, पद सृजित किए हैं। MIS मैनेजर के लिए 159 पद सृजित किए हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 1698 JTS जिनको हम कहते हैं जीनियर टेक्नीशियन, और उसके बाद में लेखा सहायक 622, डाटा एंट्री सहायक 619 जिनको डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा गया था पहले और अब डाटा एंट्री सहायक के नाम से इनके 699 पद निकले हैं। इसी तरह से ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम रोजगार सहायक लगे हुए हैं, उनके 1548 पद सृजित किए हैं और 150 सहायक कर्मचारी के पद सृजित किए गए हैं। कुल मिला के 4,966 पदों का सृजन किया गया है, जिनका पे लेवल क्या रहेगा 7th कमीशन के अनुसार उस हिसाब से निम्नानुसार है। तो दोस्तों, इसमें पे लेवल का क्या सिस्टम रहेगा वो मैं ये जो लेटर दिख रहा है उस हिसाब से बता दूं कि प्रोसेसिंग एवं एनालिस्ट विशेषज्ञ जो होगा उसका L16 होगा, जिसकी 6600 पे लेवल होगा, और प्रोसेसिंग विशेषज्ञ जो होगा उसका L8 होगा और 2800 पे होगा, और समन्वयक जो होगा उसका L11 होगा और 4200 पे लेवल होगा। समन्वयक प्रशिक्षण का होगा L8 2800, MIS मैनेजर का L10 होगा 3600, कनिष्ठ तकनीकी सहायक का L10 होगा 10 होगा 3600, लेखा सहायक इसी तरह से लेखा सहायक का भी 3600 होगा L10 के साथ में, और डाटा एंट्री सहायक होगा L5 पर होगा, ग्राम रोजगार सहायक होगा वह भी L5 पे होगा, सहायक L1 पे होगा। इस तरह से ये पत्र के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। और दोस्तों, इसके बारे में मैं और कहना ये चाहूँगा कि ये पत्र जारी हुआ है उसका मोटा मोटा क्या है, ये 2022 के जो रूल्स में कोई संशोधन किए गए थे उनके अनुसार निकाला गया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत 9 वर्ष या इससे अधिक का अनुभव रखने वाले कार्यरत संविदा कार्मिकों हेतु संविदा पदों के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में संविदा पदों के स्थान निम्नानुसार नियमित पदों का सृजन क्रिएशन किया जाता है। तो इस रूल्स के अनुसार इसे किया गया है, जिसे वित्त विभाग की अनुमति प्रदान है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करें। अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जानने के लिए मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान और देश की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आप क्या सोचते हैं मेरे चैनल के बारे में कमेंट करें, सजेशन करें कि आप और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट। धन्यवाद दोस्तों।